नमस्कार, अर्थ प्रकाश टीवी में आपका स्वागत है और हम एक बार फिर से लेकर आए हैं ट्राई सिटी का खबरनामा, जिसमें हम बात करते हैं चंडीगढ़ और इसके आसपास मोहाली, पंचकूला, जीरकपुर और बाकी इलाकों की। इसके साथ साथ अगर हमें कुछ लगता है कि महत्वपूर्ण खबर हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई चल रही है उसके बारे में बात करनी है तो वो भी बात करते हैं। आज हम उसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें आज औपचारिक तौर पर जो ऐलान प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर को किया था, तीन कानून वापस लेने का, कृषि कानून वापस लेने का, उसके ऊपर अब औपचारिक रूप से काम होना शुरू हो गया है। उसमें पहला जो पड़ाव था वो ये था कि मंत्रिमंडल उनको वापस लेने की, रद्द करने की मंजूरी दे, तो ये मंजूरी आज मंत्रिमंडल ने दे दी। ये जानकारी आज अनुराग ठाकुर ने, जो कि मंत्री हैं मोदी सरकार में, उन्होंने इस मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। अब ये कानून जो है वो बकायदा जब 29 नवंबर से संसद का सत्र शुरू होगा तब ये मामला संसद में आएगा और संसद में इसे, क्योंकि संसद ने ही इसे पारित किया है, संसद ने ही इसे पास किया है, तो संसद में ही ये कानून रद्द होंगे। तो ये प्रक्रिया एक तरह से अब शुरू हो चुकी है और इसके साथ हम कह सकते हैं कि इन कानूनों को लेकर जो अब तक बवाल चल रहा था उसका अब पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट में हुआ और वो ये था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाई गई थी जब कोरोना के कारण हालात बहुत खराब थे, तो लोगों को जो अनाज दिया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसमें 5 किलो अतिरिक्त राशन देने की बात कही गई, अनाज देने की बात कही गई थी प्रति व्यक्ति। ये योजना अब खत्म होने वाली थी लेकिन अब इसको 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया, यानी कि ये अतिरिक्त 5 किलो जो अनाज दिया जाता है राशन कार्ड होल्डर्स को, वो उनको मार्च तक मिलता रहेगा। आपको बता दें कि करीब 80 करोड़ इसके बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, जिनको ये अनाज मिलने जा रहा है। तो एक राहत की खबर हम कह सकते हैं हमारे देश के बहुत बड़े नागरिकों के लिए, खासतौर पर उन नागरिकों के लिए जिनके लिए रोजमर्रा का अनाज या रोजमर्रा की जरूरियात जुटाना भी आसान नहीं है। उसके बाद अब हम आते हैं चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ में अब जो नगर निगम के चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है। 27 नवंबर से नॉमिनेशंस शुरू हो जाएंगी, 4 दिसंबर तक नॉमिनेशंस चलेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज में भी अब गहमा गहमी शुरू हो गई है, सुगबुगाहट है। लोग टिकट्स के लिए अब अपने दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। बड़े नेता भी चंडीगढ़ में आ रहे हैं। कांग्रेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कांग्रेस का कहना है कि 2 दिसंबर तक वो अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, हालांकि अंतिम तारीख 4 है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अपने इस ऐलान पर कायम रहती है और 2 दिसंबर तक सभी 35 के 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहां पर करीब 10-11 वार्ड्स तो ऐसे हैं जहां पर लगभग तय है कि ये नेता ही वहां पर आएंगे। बड़े नेता हैं, जाने माने यहाँ के नेता हैं, तो उनका टिकट तो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन करीब 24-25 के आसपास वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर कई दावेदार हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर डिस्प्यूट्स होने की, विवाद होने की जो संभावना है वो ज्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि जब भी इस तरह की बात होती है तो फिर लोगों में नाराजगियां होती हैं, लोग पार्टी छोड़कर भी जाते हैं, दल बदल होता है। तो इस तरह के काफी अब आने वाले दिनों में ये सब चलता रहेगा। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि ये सब ना हो और इसलिए जो है वो टिकट्स की जो घोषणा है वो नॉमिनेशन से 2 दिन पहले कांग्रेस कह रही है। देखना ये होगा कि वो कर पाती है या नहीं, हो सकता है 3 या 4 को भी हो। और अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी भी इस बार काफी गंभीर लग रही है चुनावों को लेकर, और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मनीष सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो कल वीरवार को चंडीगढ़ में आने वाले हैं। वो चंडीगढ़ में पार्टी की रैली करेंगे, नसलेरिया में माना जा रहा है कि वो रैली करने वाले हैं। संजय सिंह, जो कि वहीं से दिल्ली से ही विधायक है पार्टी के, वो भी यहाँ पर बाकायदा आने वाले हैं और पूरी जिम्मेवारी उनको दी जा रही है, सुनने में आ रहा है।
तो देखना होगा कि वो कैसे बात चलती है। हालांकि उन्होंने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद काफी वहां पर भी विवाद हुआ, बवाल हुआ, तो उसको देखते हुए जो है उस लिस्ट को वापस ले लिया गया। लेकिन फिर दोबारा वो लिस्ट जारी की गई, लेकिन इस बार उनको कैंडिडेट नहीं कहा गया बल्कि वार्ड इंचार्ज कहा गया। हालांकि माना जा रहा है कि ये वार्ड इंचार्ज ही वार्ड कैंडिडेट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी 25 सीट है ऐसी जहां पर आम आदमी पार्टी को फैसला लेना है। और अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी में भी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो भीतरी जो खींचतान है, वो किसी से छुपी नहीं है, हर कोई जानता है। पार्टी में गुटबाजी है और सभी बड़े नेता इस प्रयास में रहेंगे कि उनके नजदीकी लोगों को टिकट मिले। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अहम कदम कल उठाया, या कह सकते हैं कि एक बहुत अहम डेवलपमेंट पार्टी में हुई। कल एक बैठक जो पूर्व अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ के संजय टंडन, उनके घर पर हुई। और इस बैठक में संजय टंडन के साथ साथ सत्यपाल जैन, जो कि उनके धुर विरोधी माने जाते हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। इसके साथ साथ अरुण सूद वहां थे, किरण खेर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसमें शामिल हुई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह वहां पर थे, और इसके अलावा विनोद तावड़े, जो जिन्हें हाल ही में महासचिव बनाया गया राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी वहां पर थे। और इस तरह से ये काफी अहम बैठक वहां पर थी। पॉलिटिकल एजेंडा कमेटी बनाई गई है, इसमें ये सभी के सभी लोग हैं। इंदू बाला जो कि सह प्रभारी हैं, वो भी इसमें शामिल होगी, इंदू बाला गोस्वामी। तो ये लोग तय करेंगे, पार्टी का कहना है कि किन लोगों को टिकट दिया जाना है। और सभी के सभी नेता एकजुट होकर आपस में सहमति के साथ, कंसेंसस के साथ ये तय करेंगे टिकट किसको मिलना है। तो ये कितना इस पर पार्टी कायम रहती है या नेता कितनी एकजुटता दिखाते हैं, ये बात अभी देखनी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी इस मामले में निश्चित लग रही है कि वो पार्टी के अंदर जो किसी भी किस्म का जो घमासान होता है वो नहीं होने देगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ समाचार या खबरें आप इन्हें कह सकते हैं, या कुछ विषय जिनके ऊपर हम आपसे बात करना चाहते थे। इसी तरह इनके एक और बुलेटिन के साथ, एक और खबरनामे के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना न भूलें।